हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों एग्रीकल्चर। काफ़ी ईजी वर्कशीट ये रहने वाली है क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी कवर किया था। हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे फार्मर्स जो है वो यहाँ पे क्रॉप लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू डिफरेंस इन सॉयल क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो बेटा देखिए, हर एक जो कंट्री है उसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग तरह की, जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉयल जो है अलग अलग एरिया में जो है क्या है आपको मिलती है। क्लाइमेट अलग अलग है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बारिश बहुत कम है, कहीं टेम्परेचर कम है तो कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरह से क्लाइमेट वेरी करती है, वहाँ के फार्मिंग मेथड्स वेरी करते हैं और सॉयल जो है सॉयल वो भी वेरी करती है। कहीं पर ब्लैक सॉयल है, कहीं पर एल्यूवियल है, कहीं पर लेटराइट सॉयल जो है वो ज़्यादा है। तो सॉयल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर फिर जो है क्रॉप ग्रो की जाती है। क्लियर? सो ड्यू टू द सॉयल क्लाइमेट फार्मिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। फूड एंड नॉन फूड, फूड क्रॉप लाइक वीट है, राइस है, ये क्या है, ये जो है आपकी क्या हो जाएंगी बच्चों, फूड क्रॉप हो जाएंगी। नॉन फूड क्रॉप यानी जिनको केवल हम एक्सपोर्ट करने के जो है नज़रिए से उनको ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फूड क्रॉप हो जाएगी। तो ये अलग अलग रीजन जो कंट्री के रीजन है उनमें ये ग्रो की जाते हैं। द मेन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर वीट, राइस, कॉटन, मेज़। तो ये जो है क्या है, मेन क्रॉप हैं इंडिया की वीट, राइस, कॉटन एंड मेज़। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज गिवन इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें जो इंडिया में इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट अगर हम बात करें वीट के बारे में, तो इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है अप्रॉक्सीमेट कितना चाहिए, 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए, वेरी करता है। और ये किस टाइप की क्रॉप है बच्चों, ये एक रबी क्रॉप है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि रबी और खरीफ क्रॉप, एक ये है खरीफ और रबी क्रॉप। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है रबी और क्रॉप जो क्रॉप है उनके बारे में। तो देखिए, जो रबी क्रॉप होती है उसको हम विंटर सीजनल क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं उनको टेम्परेचर कम चाहिए। अब इनको टेम्परेचर कम चाहिए तो ये अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है उसमें ये ग्रो की जाती हैं, और लगभग आप कह सकते हो कि फैब और मार्च के करीब जो है इनको काट लिया जाता है। क्लियर है? तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, रबी क्रॉप्स के बारे में। अब अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स जो है इनको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। इनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। अब पानी ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए इनको जब बारिश होती है, बारिश का मानसून सीजन होता है, तब इनको ग्रो किया जाता है। तो लगभग जून जुलाई के मंथ्स में इनको जो है लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। ठीक है? अब वीट की बात अगर हम करें तो सॉयल कैसी है, एलुवियल सॉयल है इसके लिए, एलुवियल सॉयल इसके लिए अच्छी रहती है। रेन जो है 50 to 75 सेंटीमीटर, ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी नहीं चाहिए रबी क्रॉप्स को। क्लाइमेट रहेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, एंड एरिया जहाँ पर वीट जो ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो वीट है वो उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जो क्रॉप है हमारे पास वो है राइस। राइस के लिए मोर देन 25 जो है क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। एंड ये किस टाइप की क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है और सॉयल रहेगी एलुवियल, एंड रेन जो है इसके लिए क्या रहेगी, मोर देन 100 सेंटीमीटर। ठीक है? एंड क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, एरिया रहेगा वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, यहाँ पर ये क्रॉप ग्रो की जाती है। और रबी क्रॉप के और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वीट के अलावा ग्राम है, बार्ले है। ठीक है? तो ये जो है इसके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉटन। अब यहाँ कॉटन की अगर हम बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री के आसपास, एंड ये भी खरीफ क्रॉप है और सॉयल रहेगी, देखिए कॉटन जो है वो ब्लैक सॉयल में सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है? ब्लैक सॉयल जो है सबसे अच्छी है कॉटन को ग्रो करने के लिए। रेन 50 to 100 सेंटीमीटर, क्लाइमेट रहेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, एरिया होगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ये ग्रो की जाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेज़ ठीक है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस की रेंज रहेगी टेम्परेचर के लिए। और ये कैसी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, एल्यूवियल इसके लिए सॉइल रहेगी। एंड 50 to 100 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट 50 to 100 सेंटीमीटर इसके लिए रेन रहेगी। एंड ग्रोन इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स जो है उनमें ग्रो किया जा सकता है। एंड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है इसके मेन रीजन रहेंगे जहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है, शॉर्ट नोट लिखना है रबी क्रॉप के ऊपर, सेकंड आपको खरीफ क्रॉप के बारे में बताना है, और थर्ड आपको बताना है विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे, आज आपने खाने में कौन कौन सी क्रॉप जो है उनको लिया है। तो ये बहुत ही आसान से 3 जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो यहाँ से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया। तो रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड जो है उनको क्या बोलेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड क्रॉप्स और स्प्रिंग क्रॉप्स। कोल्ड क्रॉप्स या स्प्रिंग क्रॉप बोलेंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर कम चाहिए। जब ये जो है ये बोई कब जाती हैं रबी क्रॉप्स, अक्टूबर टू नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग की जाती है इनकी जून एंड जुलाई के आसपास। क्रॉप का नाम हम लिखेंगे वीट, टेम्परेचर चाहिए 10 to 25 डिग्री, रेनफॉल लिखेंगे 50 to 75 सेंटीमीटर, क्लाइमेट रहेगा वार्म एंड सब ट्रॉपिकल, रीजन रहेगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये रबी क्रॉप जो हैं जो वीट है उसके लिए ये क्या है, ये कंडीशंस हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। तो खरीफ क्रॉप जो है बच्चों, देखिए खरीफ क्रॉप कौन सी है, दे खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स। और इनको कब बोया जाता है, सोइंग होती है इनकी जून जुलाई के आसपास जब बारिश ज़्यादा होती है, हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर टू नवंबर। क्रॉप हम लिख रहे हैं राइस, इसकी जगह आप बेटा और कॉटन भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए मोर देन 100 सेंटीमीटर, क्लाइमेट वार्म चाहिए, एंड रीज़न क्या है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, ये रीज़न है जहाँ पर जो राइस है वो ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्रॉप यू हैव यू टेकन इन योर मील टुडे, नेम देम। तो कौन सी क्रॉप जो है आपको मील जो आपने लिया है उसमें आपने कौन सी क्रॉप ली है, तो आपने राइस खाए होंगे, ग्राम चना है, वीट है, तो जो भी आपने आज के मील में लिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।